सो वेलकम गाइस, वेलकम टू एनी वीडियो। तो मैं आज आपको बताऊंगा पांडा गेमपैड पर एप्लीकेशन को एक्टिवेट कैसे करना है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो पांडा गेमपैड पर है उसको यहाँ से 3 से 4 बार क्लिक करना है, उसके बाद ये ओपन होगा। अलाउ करने के बाद तीनों सेटिंग अलाउ कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पर पबजी का आइकन दिखाएगा। पबजी के आइकन पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ्लोटिंग विडजेट का ऑप्शन आएगा, फ्लोटिंग विडजेट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से इसको एनेबल कर देना है। अगला है बैटरी ऑप्टिमाइज का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसको यहाँ से ऑल ऐप्स से क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर मुझे पांडा के पर एप्लीकेशन दिखा और यहाँ पर इसको डोंट ऑप्टिमाइज पर क्लिक करके ये सेटिंग सेव कर दी। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है एक्टिवेट नाउ का USB डिबगिंग। तो आपको इसको एनेबल करने के लिए आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो मैं ऐसे जाता हूँ मोबाइल की सेटिंग में। जैसे ही मैंने यहाँ से ओपन किया, आपको यहाँ पर अबाउट फ़ोन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर पर 3 से 4 बार या 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, आप सेकंड लास्ट में देख सकते हैं। तो आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको एनेबल कर देना है ऊपर से। उसके बाद नीचे डिबगिंग ऑप्शन आएगा, इसको भी एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली वापस से बैक करना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करना है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो वापस से मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा ऑन, यहाँ से USB डिबगिंग ऑन हो चुका है। अब इसके बाद आपको कुछ फाइलें डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर में, हम सर्च करनी है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब आपको एक और फाइल डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एक्टिवेट टूल, जो कि पांडा गेमपैड प्रो के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर कुछ ये वाली साइट खुलेगी, आपको यहाँ पर एक कैप्चा का ऑप्शन आएगा। उस कैप्चा का ऑप्शन आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, इसको काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं। तो सब इसमें यहाँ पर आपको कैप्चा का ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ से इसको फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, वो फिल करने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर आए कार्स के बारे में। तो कार्स की पिक्चर आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। देखिए मैं कार्स की कर दिए और मैंने इसको स्किप कर दिया, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी विंडो खुल जाएगी, तो आपको वापस से पहली वाली विंडो पर चले जाना है। उसके बाद ऊपर वाले गेट लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा दोस्तों, नीचे वाले पर आइए। तो आपको यहाँ पर कुछ टाइमर चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का टाइमर चल रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये हो नहीं रहा है, तो यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो मैंने इसको स्किप कर दिया। आपको यहाँ पर देख सकते हैं गेट लिंक ऑप्शन आया, तो वापस से दूसरी विंडो ओपन होगी फ्रेंड्स। आपको वापस से अनप्लाइज वाली विंडो पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव खुल जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ अकाउंट मांगेगा, अकाउंट भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डाउनलोड होगा, आपको यहाँ पर जार्चीवर सिलेक्ट कर लेना है। जार्चीवर सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको गेमपैड प्रो एक्टिव टूल का फोल्डर दिख रहा होगा, इसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप यहाँ कॉपी का ऑप्शन आएगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर SD कार्ड में जाना है। SD कार्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो कॉपी करने का जो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है 52141। आप देख सकते हैं 52141 यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। यहाँ से ओके करने के बाद ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फाइल है। तो ये activate.bat की नाम है जो फाइल आगे काम आएगी। तो आपको USB केबल चाहिएगा इसके लिए। PC और मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आपको PC और मोबाइल में आना है। तो जैसे ही आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो चार्ज दिस डिवाइस या चार्ज ओनली, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो फिलहाल आपको चार्ज दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल और PC जो दोनों है कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपका मोबाइल जो PC के अंदर खुल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, तो आपको यहाँ से जो फोल्डर होगा, वो फोल्डर जब हमने एक्सट्रैक्ट किया था, वो आपको होम पेज पे लाना है, PC की होम पेज पे। उसके बाद यहाँ पर जैसी वो फाइल मैंने बताई थी activate.bat नाम की, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ओके करने बाद सब कुछ रेडी हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं आपको पांडा गेमपैड प्रो एप्लीकेशन दिखाता हूँ कैसे एक्टिवेट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ एक्टिवेट है, देख सकते हैं आप। तो अब बात आ जाती है गेमपैड की। तो गेमपैड में आपको क्या करना है, एक तो होता है ब्लूटूथ वाला गेमपैड, उसके बाद आता है एक USB वाला गेमपैड और एक ब्लूटूथ जैसा USB वाला गेमपैड भी आता है। तो मैं बताता हूँ कैसा है वो। एक ये USB वाला है और एक ये USB वाला जो ब्लूटूथ जैसा दिखता है पर है ये USB वाला। तो तीनों को कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको स्टेप बाय बताता हूँ। तो पहले ब्लूटूथ वाला बताता हूँ कैसे करना है। तो ये फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ वाला है गेमपैड है। तो आपको सिंपली इसमें करना क्या होता है, आपको पांडा गेमपैड पर एप्लीकेशन ऑन करना है।
और जो इस गेम पैड का जो ब्लूटूथ है उसको भी ऑन कर देना है, मतलब गेम पैड को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेम पैड सेलिब्रेशन 3 डॉट्स पर आपको जाना है। उसके बाद गो टू ब्लूटूथ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से गो टू ब्लूटूथ सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करना है। आपका जो गेम पैड का डिवाइस है वो यहाँ आपको बता देगा, सिंपली आपको कनेक्ट कर लेना है, बस इतना ईजी है। अब आता है USB डिबिंग का, बता आपको यहाँ पर इस टाइप की केबल चाहिए, एक्स्ट्रा केबल जो होती है इससे कनेक्ट होगा, इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, कोई इसमें इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं है। आपको वही चार्ज ओनली वाला क्लिक करना है। उसके बाद ये दोनों ये सेम है, दोनों गेम पैड सेम है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं गेम प्ले बता रहा हूँ आपको, इस गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये गेम इसलिए लैग कर रहा है क्योंकि मैंने हाई ग्राफिक इसमें इंस्टॉल की थी, इसलिए आप सो स्मूथ में भी खेल सकते हैं। और एक्टिवेटेड फाइल टूल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। और अगर आपको पांडा गेम पैड प्रो एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड करना है, कैसे करना है वो उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।